ऑटोमेटिकली सेंसर के थ्रू ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करने लगता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे वाइपर चलाया, अभी आप देखेंगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं थी लेकिन ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। तो अगर पूरी किट की बात करें तो एक ये DVR हो गया, एक आपका ये स्टैंड हो गया, स्टैंड के बाद एक आपका ये रिवर्स पार्किंग कैमरा हो गया और एक आपका हो गया चार्जर। 5 मिनट ये इंस्टॉल हो जाएगा, फिर इसका व्यू भी देखते हैं। अभी आप देखेंगे ये हमने रिकॉर्डिंग ऑन। नमस्कार दोस्तों, कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीत दुबे आज लेके आया हूँ एक और नया वीडियो। गाइज आज का वीडियो है कार डैश कैम रिकॉर्डर पर। आज इसकी अनबॉक्सिंग टेस्टिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ मैं एडिशन की तरफ से। एडिशन एक ब्रांड है जो कि कार एंटरटेनमेंट में काफी ज्यादा फेमस है। बहुत सारे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग टेस्टिंग मैं खुद कर चुका हूँ। इनकी एक कार्बन सीरीज स्पीकर की मैंने टेस्टिंग की थी तो मुझे लगा क्यों ना इनकी सीरीज कवर की जाए। सो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी अच्छी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग टेस्टिंग एंड रिव्यू। सो गाइज ये है एडिसन का कैम रिकॉर्डर, आप देख सकते हैं मॉडल नंबर AD300DVR। की फीचर्स आप देखेंगे तो बिग अप्रेचर एंड WDR टेक्नोलॉजी, ड्यूअल रिकॉर्डिंग फ्रंट एंड रियर, एक्सीलेंट नाइट एंड डे विजन, H.264 वीडियो फॉर्मेट, 170 डिग्री मीन्स 170 डिग्री वाइड फील्ड ऑफ व्यू, रिलायबल सपोर्ट, इजी टू इंस्टॉल, कैप्चर पार्किंग असिस्टेंट्स एंड कार थेफ्ट, 4.0 फुल HD डैश कैम रिकॉर्डर है ये। इसकी क्वालिटी की अगर बात करें तो अभी हम इसको अपनी कार में यूज करने वाले हैं। अनबॉक्सिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हमें DVR जिसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको एक वारंटी कार्ड और मैनुअल बुक भी मिलेगा, इससे आप वारंटी क्लेम कर सकते हैं। जो यूजर मैनुअल होता है उसको आप रीड करेंगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स पता चलेंगे कि क्या क्या इसके साथ आपको मिलने वाले हैं। तो अगर पूरी किट की बात करें तो एक ये DVR हो गया, एक आपका ये स्टैंड हो गया, स्टैंड के बाद एक आपका ये रिवर्स पार्किंग कैमरा हो गया और एक आपका हो गया चार्जर। फ्रंट कैमरा इसके साथ आपको मिलेगा, रिवर्स कैमरा मैंने आपको दिखाई दिया। कंप्लीट किट है, अब इसको गाड़ी में इंस्टॉल कर देते हैं। विद इन 5 मिनट ये इंस्टॉल हो जाएगा, फिर इसका व्यू भी देखते हैं। तो जो बॉक्स के ऊपर मेंशन था इजी इंस्टॉल, तो ये चीज तो वाकई यार बिल्कुल आराम से इंस्टॉल हो गया है। कोई भी ज्यादा टफ कुछ काम मुझे दिखा नहीं इसमें। बाकी जो फ्रंट का कैमरा है वो इसके अंदर माउंट है और इसकी क्वालिटी काफी जबरदस्त होने वाली है। WDR फुल HD है ये, तो क्वालिटी आप देखेंगे अभी, वीडियो की क्वालिटी अभी भी देख सकते हैं, काफी जबरदस्त है। साथ में आपको जो कीपैड मिल रहे हैं ये भी वर्क करते हैं और ये टच स्क्रीन नहीं होता, ये मैं आपको बता देता हूँ, इसमें टच नहीं होता। और ये आपका चार्जर लग चुका है। SD कार्ड के लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है, यहाँ पे आप SD कार्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो पॉलीथिन है वो मोबाइल स्टैंड की तरह आपको हटाना है और आसानी से बिल्कुल सिंगल हैंड से आप इसको यहाँ पे इस तरीके से, या जैसे आप जहां पे आपको सुटेबल लगे, कुछ लोग यहाँ लगाते हैं कुछ लोग यहाँ लगाते हैं, जैसे आप लगाना चाहें। तो हम अभी ट्रायल के लिए लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा देते हैं और इसको लॉक कर देते हैं। अब देखिए भाई क्वालिटी, अभी क्या है कि हमने जो इसकी पॉलीथिन है वो नहीं हटाई है लेंस की, उसको भी हटा देते हैं तो आपको क्वालिटी और जबरदस्त मिलेगी। सो ये देखिए काफी ज्यादा जबरदस्त है क्वालिटी, ऐसा लग रहा है यार इसको हम ना ब्लॉग में रिकॉर्ड करने के लिए रख सकते हैं। और मैंने रिवर्स कैमरा नहीं लगाया है, रिवर्स कैमरा लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन क्वालिटी हमें यहां से पता चल जाएगी कि वाकई जो क्वालिटी है वो कैसी है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फीचर्स दिए गए हैं इसके वो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसमें आप बहुत सारी चीजें हैं जो यूज कर सकते हैं। तो मेन्यू में जाते हैं, मेन्यू में आप देखेंगे यहाँ पे रेजुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, सिक्वेंस, क्वालिटी, शार्पनेस, व्हाइट बैलेंस, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं नो डाउट। ये देखिए इस तरीके से अप डाउन करिए और उस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे ब्लैक व्हाइट जैसा आप करना चाहें, नॉर्मल करना चाहें या ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहें, जैसा चाहें। अभी हमने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया तो ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट ले लेगा। ये देखिए अभी ब्लैक एंड व्हाइट हो गया। लाइक फोन यूज कर रहे हैं आप तो आसानी से इसको यूज कर पाएंगे, इतना कुछ टफ नहीं है इसको यूज करना। रिकॉर्डिंग अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं, वीडियो की जो क्वालिटी है वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो कलर हम ऑटो पे लगा देते हैं, सो फिर से जो नॉर्मल कलर था वो आ चुका है। नो डाउट क्वालिटी काफी अच्छी है, कलर वगैरह आप अपने हिसाब से मैनेज कर ही सकते हैं। अब एक बार रोड का व्यू देखते हैं। रोड पे मैं लेके जाता हूँ इसको और चला के चेक करता हूँ कि रोड का कैसे ये रिकॉर्ड करेगा। आप देखेंगे रोड का जो व्यू है वो भी काफी जबरदस्त दिखा रहा है और ये बिल्कुल वाइब्रेट नहीं हो रहा। लाइक अगर आप देखेंगे गाड़ी के वाइब्रेशन से ये हिल नहीं रहा है और सारी चीजें क्लियर दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा पास में करता हूँ, ये देखिए, तो ये प्रॉपर सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा है और क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है। नो डाउट इसका जो रिस्पांस है वो काफी ज्यादा अच्छा है। और आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए गाड़ी के सामने कुछ जानवर आ गए तो बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो। तो ये काफी बेहतरीन ऑप्शन लगा कि इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे काफी अच्छी लगी। वीडियो जो क्वालिटी ये रिकॉर्ड करेगा वो काफी ऑसम करेगा। कोई आपकी गाड़ी को चोरी कर रहा है या गाड़ी किसी से टच हो रही है तो आपके पास एक एविडेंस रहता है जिससे कि आप प्रॉपर उसको दिखा पाए। और क्वालिटी यार DVR की अच्छी होनी चाहिए। सो क्वालिटी कुछ इस तरीके की है, आप देख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो डेट टाइम वगैरह सब कुछ ये दिखा रहा है जिससे कि आप प्रॉपर चीजें
अपने रिकॉर्ड में रख पाए। मेमोरी कार्ड को आप कॉपी भी कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो फाइनली ये रिकॉर्ड करके आपको सारी चीजें दे देगा, चार्ज करने के बाद भी आपको अच्छा खासा बैकअप ये दे देगा। गाइज इस DVR के अंदर सबसे बेहतरीन फीचर है वो है मोशन डिटेक्ट करके ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करने लग जाता है। ये काफी बेहतरीन फीचर है। लाइक जैसे ही गाड़ी में कुछ एक्टिविटीज होंगी, लाइक पीछे से किसी ने हिट कर दिया, आगे से किसी ने हिट कर दिया और आप उस समय रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किए हुए हैं, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एडिसन की इस डिवाइस के अंदर ऑटोमेटिकली सेंसर के थ्रू ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करने लगता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने यहां पे वाइपर चलाया, अभी आप देखेंगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं थी लेकिन ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई क्योंकि यहां पे मोशन एक्टिविटीज जो है ना वो गाड़ी के साथ कुछ ना कुछ हुई। ऐसे ही गाइस जब आप पीछे रिवर्स पार्किंग कैमरा इंस्टॉल करेंगे और गाड़ी के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है तो आप बहुत ही आसानी से पूरा व्यू रिकॉर्ड कर पाएंगे, बैक फ्रंट जैसे भी आप चाहेंगे। यहां पे बहुत अच्छे और बेहतरीन फीचर हैं। आप देखिए 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट की आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो HDR ऑप्शन है वो आप यहां पे ऑन कर सकते हैं और नीचे अगर आप जाएंगे तो यहां पे एक्सपोजर जो रहेगा वो अप डाउन कर सकते हैं। मोशन डिटेक्शन जिसके बारे में मैं बता रहा था, अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है और पीछे से कोई हिट करके निकलता है तो ये आपको ऑन रखना है ये फीचर, जिसके थ्रू वो पूरा रिकॉर्ड कर ले, नंबर प्लेट वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाएंगे। ये सारे फीचर कमाल के हैं इस डिवाइस के अंदर। इसमें 64 GB अभी मैंने डाल रखा है, 128 GB तक आप डाल सकते हैं तो वो भी सपोर्ट कर जाता है। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे मोशन डिटेक्शन का ऑप्शन आ गया और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आप इस डिवाइस को खरीदेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार इसमें काफी सारे बेहतरीन ऑप्शन है। ऑडियो ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, गाड़ी का जो रिकॉर्डिंग है वो विद साउंड ले सकते हैं, जो भी साउंड रहेगा वो ये कैच करके आपको रिकॉर्ड करके सुना भी देगा। इस डिवाइस के अंदर भी छोटा सा स्पीकर होता है तो उस पर भी आप सुन सकते हैं या फिर मेमोरी कार्ड को लैपटॉप या लाइक फोन में डाल के भी यूज कर पाएंगे। यहां पे जो डेट सेटिंग दी है वो भी आप करंट डेट में ये रिकॉर्ड कर पाएंगे। सो यहां पे डेट सेटिंग में जाके आप उसको आराम से डेट सेट करके आप उसको रिकॉर्डिंग पे लगा सकते हैं। ग्रेविटी सेंसिंग जो दिया गया है ये भी काफी बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें आप सेंसर की जो लाइक एक लो मीडियम हाई रेंज होती है ग्रेविटी कैच करने की, वो सारी चीजें भी ये यहां से सेंसर के थ्रू रिकॉर्ड कर पाएगा। सो फाइनली गाइज अगर आपको एडिशन के प्रोडक्ट से बिजनेस करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं जहां पे आपको कंपनी के कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे। डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट मंगा के अपनी एरिया में सेल भी कर सकते हैं तो उसके लिए कॉन्टेक्ट करिए, नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आई होप गाइज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग टेस्टिंग कार म्यूजिक आपके यूट्यूब चैनल पे होती रहती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज शेयर कर दो। बाकी एडिशन की अगर बात करें तो एडिशन के बहुत सारे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग टेस्टिंग मैं करने वाला हूं, इनकी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं जिसमें आप इनकी पूरी सीरीज देख सकते हैं। जो भी इनकी रेंज है लाइक स्पीकर, बूफर, एम्पलीफायर, वायरिंग किट और भी बहुत सारे प्रोडक्ट ये यूनिक लेके आते रहते हैं। ट्विटर्स बहुत अच्छे हैं इनके, LED भी आने वाली है तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं यार, उनकी अनबॉक्सिंग टेस्टिंग आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। गाइस अगर बात करें इस प्रोडक्ट को खरीदने की तो नियर कार एक्सेसरी शॉप पे विजिट कर लीजिए, ऑल ओवर इंडिया ऑफलाइन मार्केट में ये अवेलेबल है। ये वीडियो अगर किसी भी शॉपकीपर को आप दिखाते हैं तो वो आपको कुछ डिस्काउंट भी दे देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में क्योंकि ये है कार म्यूजिक, अब यहां मिलेगा सब।